एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज अभी अभी एक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें एक शिक्षक के द्वारा आत्मदाह करने का प्रयास किया गया है, उसको बिना किसी कारण के उस पर FIR दर्ज किया गया है। COVID-19 का गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण उस पर FIR दर्ज किया गया है, क्योंकि उसकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, इस कारण से वो शिक्षक आत्मदाह कर रहा था। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। ये पत्र जारी हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर के द्वारा। श्री मनकेश्वर प्रसाद नियोजित शिक्षक मध्य विद्यालय सेवा प्रखंड डुमराव बक्सर पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ये पत्र जारी हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन दिशा निर्देश के आलोक में कार्यालयों में या कार्यालय परिसर में कार्यालय कर्मी को अतिरिक्त किसी भी प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद भी श्री मनकेश्वर प्रसाद द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी COVID-19 का गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करते हुए मना करने के बावजूद भी बुनियादी विद्यालय बक्सर में स्थित कार्यालय परिसर में घुसकर आत्मदाह करने का प्रयास तथा अपने को नियंत्रित पदाधिकारी के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना आदर्श शिक्षक के आचरण एवं आपदा COVID-19 से संबंधित प्रावधानों के प्रतिकूल है। निर्देश दिया जाता है कि श्री मनकेश्वर प्रसाद नियोजित शिक्षक मध्य विद्यालय सेवा प्रखंड डुमरा बक्सर पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा शिक्षक नियोजन नियमावली के अंतर्गत संबंधित नियोजन इकाई को कार्रवाई करने का अनुशंसा किया जाए। इस तरह का आदेश जारी किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर के द्वारा, लेकिन ये किसी पदाधिकारी के द्वारा उस शिक्षक से नहीं पूछा गया कि आपकी क्या मजबूरी है, किस कारण से आप आत्मदाह करने जा रहे हैं। उसे एकाएक FIR दर्ज करने का आदेश विभाग द्वारा दे दिया जाता है। अजीब विडंबना है इस शिक्षा विभाग का। वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।